धनराशि का सही ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए उधम सिंह नगर डीएम ने की बैठक। सिटकुल के बजाज ऑटो लिमिटेड फैक्ट्री में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। गदरपुर में मुआवजे को लेकर किसानों ने तहसील में किया धरना प्रदर्शन। उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी चंद्रेश कुमार यादव ने जिला राज्य केंद्र एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा रुद्रपुर स्थित विकास भवन सभागार में की। जिलाधिकारी ने जल निगम द्वारा जिला योजना 2015 से 16 की अवशेष धनराशि के खर्च का सही ब्यौरा उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने जल निगम के समस्त स्टाफ का माह दिसंबर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने सीमांत क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्ष 2016 से 17 के अंतर्गत जिन कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त हो गई है वो कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाए। उन्होंने बीएडीपी के अंतर्गत बनाए गए खटीमा चिकित्सालय की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सीएमओ को दिए। उन्होंने कहा सीमांत क्षेत्रों में कुछ विद्यालयों को चिन्हित कर सोलर प्लांट लगाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए। जिलाधिकारी ने कमांडेंट एसएसबी केसी राणा को खटीमा एसएसबी क्षेत्र में सोलर प्लांट से जोड़ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी को विकसित करने के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने विकास भवन में जिला योजना में किए गए कार्यों की समीक्षा की। 2017-18 में होने वाले कार्यों के संबंध में एक बैठक की गई थी और इसमें संबंधित विभागों को उनके सेक्टर के हिसाब से निर्देशित किया गया है कि वो अपनी योजनाएं आज उपलब्ध करा दें ताकि उनका चयन करके उस पर आगे कार्रवाई करके उस पर धनराशि मुक्त कराई जा सके। इसके अतिरिक्त 2016-17 की जो योजनाएं हैं जो चयनित हो चुकी हैं जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उसके बारे में भी चर्चा की गई और विभागों को निर्देशित किया गया है कि जो भी धनराशि आपको उपलब्ध कराई गई है कार्य योजनाओं के विपरीत उस पर तत्काल कार्य शुरू कर दें और इस वित्त वर्ष के अंत तक उस कार्य को पूरा करके उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें। जब तक आचार संहिता नहीं है तब तक विभाग अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज जिला योजना की भी बैठक आहूत की गई है। जिला योजना में अभी तक के जो कार्य विभागों द्वारा किए गए हैं जो धनराशि मुक्त की गई है उसकी भी समीक्षा बैठक की जा रही है। पन्नगर सिटकुल की बजाज ऑटो लिमिटेड फैक्ट्री में उत्तराखंड पुलिस और कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ डीआईजी अजय रौतेला जिलाधिकारी चंद्रेश यादव व एसएसपी सेंथिल अबुदई ने किया। जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत इस शिविर में निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया गया। शिविर में सिटकुल की विभिन्न फैक्ट्रियों के 600 से अधिक श्रमिकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान डीआईजी अजय रौतेला ने बताया कि पुलिस और श्रमिकों में आपसी तालमेल बनाने और श्रमिकों का सही उपचार हो सके इसलिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। जन सहभागिता के तहत और सीएसआर में बजाज के इस कैंपस में आज मेडिकल कैंप लगाया गया है। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है और इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सभी श्रमिक भाइयों से कि वो इस तरह के हेल्थ कैंप मेडिकल कैंप जब भी लगते हैं तो इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने फिटनेस का विशेष ध्यान रखें क्योंकि अगर वो फिट रहेंगे तभी वो अच्छे से काम कर सकेंगे और कंपनी की और देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। देखिए इसमें जो है जन सहभागिता पुलिस का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग टास्क दिए गए थे। रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं श्रमिक यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे इनको श्रमिक के साथ जन सहभागिता का प्रोग्राम दिया गया था। इसके अंतर्गत हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो रुद्रपुर चैप्टर है उनके सहायता के साथ KGCCIC के साथ मिल करके हमने कैंप लगाया जिसमें श्रमिकों की जो बीमारी वगैरह है इनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। इसके बाद डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अगर इनका फॉलोअप होगा वो लोग भी अपने हॉस्पिटल्स में फ्री करेंगे। तो ये है। दूसरा इसमें है कि जनरली पुलिस और श्रमिकों का जो डिस्टेंस रहता है उसको थोड़ा कम हो जाए आसपास हम लोगों के बीच में। उसमें हमारा पुलिस ऐप है जो कि उस उत्तराखंड पुलिस ऐप उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे जिससे कि इनका वेरिफिकेशन वगैरह की प्रॉब्लम कम हो।
आज गदरपुर तहसील के समस्त किसानों ने जिनकी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 7-4 निर्माण हेतु अधिग्रहित की जा रही है उसका 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में तहसील परिसर में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी 3/2/2016 के आधार पर 4 गुना भुगतान किए जाने हेतु प्राविधानित किया गया है। किसानों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसानों का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2016 को मांगेपुरी का हमारा पैसा भी आ चुका है, 4 गुना गडकरी जी ने भी आगे घोषणा कर दी थी और लिखित आश्वासन दिया था, अखबारों में भी दे दिया था। उसके बाद भी आज तक किसानों से जमीन ले ली है, उनका मुआवजा नहीं दिया। सड़कें भी बन रही हैं इनकी, इनके काम कोई रोक नहीं पा रहे, इसलिए मुआवजे हमारे रोके पड़े हैं। मुआवजा देंगे तब अब काम भी आगे तभी करने देंगे, काम रोकेंगे हम लोग, हड़ताल पर बैठ जाएंगे। NH के अंदर गई हैं, उसके लिए 4 गुने का मुआवजे का आदेश 3/2016 को आ चुका है और ये 10 महीने हो गए हैं। हम इनसे मिलते मिलते थक गए हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले, DM साहब से मिले, कई बार वार्ता हुई, मगर अभी तक उन्होंने हमें मुआवजा नहीं दिया। भ्रष्ट अधिकारी DP सिंह बैठा हुआ है, वो इस काम को होने नहीं देना चाहता, धरने पे बैठे रहेंगे।